हेलो फ्रेंड्स, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था चार्ज क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टीज पे हमने देखा था जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। बट हमें ये पता नहीं है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कितनी लगाता है। तो आज हम यही स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है कूलम्स का। कूलम्स ला दिया था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने। तो इन्होंने बताया कि अगर दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है, तो ध्यान दीजिए स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। ध्यान दो कि कूलम्स लॉ खाली हमारे पास हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। तो पहले थोड़ा सा आइडिया लगा ले पॉइंट चार्जेस के। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कोई भी नाम दे दो, क्यू वन और क्यू टू, ये चार्जेस बहुत ज्यादा स्मॉल हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, तो इन चार्जेस को हम बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू जो सेपरेट हुए हैं बाय अ डिस्टेंस आर, तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो एक चीज हमें यहां से पता लगेगी कि ये अबे करेगी इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था वो भी ओबे करती थी इनवर्स स्क्वायर लॉ, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कूलम्स फोर्स जो है वो भी ओबे करेगी इनवर्स स्क्वायर लॉ। और साथ में यहीं से हमें एक और चीज का पता लगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं इसके सेंटर तक, तो ये सेंट्रल फोर्स है। कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। जब हम इन दो पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे हमें मिलेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने पे एक कांस्टेंट आएगा के, तो ये बन गया एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, के इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू है। यहां पे देखो एप्साइलन नॉट होता है परमिटिविटी। अब क्योंकि यहां पे नॉट लगा है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने देखा अगर दो चार्जेस है हमारे पास बट कौन से स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दो पॉइंट्स को कंबाइन करके हमने ये फॉर्मूला निकाला जिसमें एक कॉन्स्टेंट आया, और कॉन्स्टेंट जो है इसकी वैल्यू है वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू इसकी लिखी है हमने नाइन इंटू टेन रेज टू पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पे आया एप्साइलन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
तो परमिटिविटी क्या है? तो परमिटिविटी है एक मीडियम की प्रॉपर्टी, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट टेल्स हाउ मच फोर्स द चार्ज इज एक्सपीरियंस when placed in that medium. तो जब हम क्या करते हैं, दो चार्जेस को किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रखते हैं, तो वो मीडियम में, उस मीडियम में वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे या कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी. ठीक है, तो अगर हम लिखे यहां पे एप्साइलन तो वो होगी परमिटिविटी, और अगर लिखे हम एप्साइलन नॉट वो होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10^-12. अब यूनिट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, हम निकाल सकते हैं. हमने फोर्स पढ़ी, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. तो यहां से एप्साइलन नॉट निकालो, 1/4 पाई एफ क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. फोर पाई तो कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे. फोर्स के यूनिट्स होंगे न्यूटन, चार्ज के होंगे कूलम, और ये भी कूलम, कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर. तो एप्साइलन नॉट के यूनिट्स आ गए, या फिर एप्साइलन के भी यही यूनिट्स होंगे, तो ये बने कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये था कूलम्स लॉ. हमने पढ़ा कूलम्स लॉ फोर्स अप्लाई करता है, कूलम्स लॉ में बताता है दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, 1/4 पे एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. तो इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखी कि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है. एक और प्रॉपर्टी, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांगर है. अच्छा, इसके बाद ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसी के साथ इस फॉर्मूले से हम वन कूलम को डिफाइन करेंगे. हमने डेफिनेशन बतानी है वन कूलम की. अब वन कूलम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. तो देखो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा कूलम्स लॉ से, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. अगर हम दोनों चार्जेस ले लें वन कूलम के इक्वल, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ले लें 1 मीटर, तो ये क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/1, तो ये हो गया 9×10^9. तो ध्यान दो, अगर दो सिमिलर चार्जेस दोनों वन कूलम के एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद अ फोर्स ऑफ 9×10^9 न्यूटन, तो हम बोलेंगे वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वन कूलम. इफ टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9×10^9 न्यूटन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, देन दीज चार्जेस आर इक्वल टू वन कूलम. तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की वन कूलम की. तो और क्या यूनिट्स हैं चार्ज के, चार्ज के और यूनिट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
सीजीएस यूनिट। तो ये तो था हमारे पास ऐसा यूनिट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट जो है स्टैट कूलम, जो है स्टैट कूलम, और वन कूलम होता है इक्वल 3×10^9 स्टैट कूलम के। एक और यूनिट है चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट, इसको हम लिखते हैं एब कूलम, और वन कूलम इक्वल होता है 1/10 ऑफ एब कूलम। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा कूलम्स लॉ क्या है, कूलम लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी, हमने देखा कूलम्स लॉ एक ड्रॉबैक देखी कि ये खाली एप्लीकेबल है स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस पे। और हाँ, जो कूलम्स लॉ है, ये जो फोर्स लग रही है दो चार्जेस के बीच में, ये डिपेंड नहीं करेगी वहां पे और भी चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है। इस रूम में अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं, तो अगर यहां पे कोई और चार्जेस भी प्रेजेंट है तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमने देखे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज वन कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट देखा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस यूनिट देखा। तो आज इतना ही रखते हैं।